हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द न्यू चैप्टर, दैट इज़ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ से हमारा मेन फिजिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो इसका हम लोग ये 7 टॉपिक कवर करेंगे: फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स, एक्सेलरेटेड सिस्टम, कंस्ट्रेंट मोशन, पुली सिस्टम, स्यूडो फोर्स एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग्स। जिसमें मैं फ्री बॉडी डायग्राम का वीडियो डाल चुका हूँ, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के लिए। अब ये कैसे होगा इक्विलिब्रियम का? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? कि इफ़ अ बॉडी इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ मेनी फोर्सेस, टू और मोर देन टू फोर्सेस, एंड स्टिल द बॉडी इज़ नॉट मूविंग, तो दैट इज़ नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसमें क्या होगा ना कि इफ़ आई अज्यूम दिस टू बी एक्स एंड दिस टू बी वाई, तो नेट फोर्स सिग्मा एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे ये बॉडी है, इस पर मैं ऐसा एफ वन लगा दूँ, इधर एफ टू, इधर एफ थ्री, दिस एंगल इज थीटा। तो वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? दिस इज़ वॉट एफ वन, इट इज़ नथिंग बट एफ वन साइन थीटा, एंड दिस इज़ वॉट एफ वन कॉस थीटा। नाउ एफ वन कॉस थीटा और एफ टू बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, एंड एफ वन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ थ्री। तो हम लोग सारे प्रॉब्लम में जनरली ऐसा करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम आई होप आपने देख लिया होगा उसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, ये क्वेश्चन देखो। टू सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद डब्लू रेस्ट ऑन द अदर रेस्ट ऑन अच्छा रेस्ट वन ऑन द अदर इनसाइड अ फिक्स स्मूथ सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को बताना है। देखो क्या द रिएक्शन बिटवीन द स्फीयर्स एंड द वर्टिकल सर्फेस ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कितना होगा एंड इन दोनों के बीच का रिएक्शन कितना होगा? तो क्या करो, पहले फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, एक प्रॉपर्टी पता है कि सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दैट विल पास थ्रू द सेंटर। तो स्फीयर का भी तो वही हो जाएगा, स्फीयर का टू डायमेंशनल सर्कल ही तो होता है ना। तो फर्स्ट यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, तो कुछ ऐसा ही तो बनेगा। देखो इसका इधर से एन टू मान लो, इधर से एन वन मान लो, इधर से एन फोर, और इन दोनों के बीच में एन थ्री। अब ये एंगल निकालना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो एंगल कैसे निकलेगा सोचो कि यहाँ पे ये जो गिवन है दैट इज 16 डायमीटर, और ये कितना है ऐसा, और ये कुछ ऐसा। तो बोलो कि ये कितना है 5, क्योंकि ये तो इसका रेडियस बना इतना, और इसका भी इधर ये 5 बना, तो ये बीच का कितना है 6, एंड इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस प्लस रेडियस 10, दिस इज 6 एंड दिस इज 10। तो आप एंगल निकाल सकते हो, वही मैं किया हूँ, ये 53 डिग्री आ जाएगा। एन थ्री ऐसा ही तो लग रहा होगा ना, इसके ऊपर ऐसा, तो यहाँ पे क्या करो ना, इसमें क्या लग रहा है, देखो एन थ्री का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो, ये 53 डिग्री हुआ, इस पर एन थ्री ऐसा लगा, उसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन थ्री कॉस 53 दैट विल बी इक्वल्स टू इधर का एन फोर, और एन थ्री का अपवर्ड कंपोनेंट इसके ऊपर दैट विल बी इक्वल टू डब्लू। तो एन थ्री का अपवर्ड कंपोनेंट क्या हो, ये 53 है, तो एन थ्री का साइन 53, एन थ्री साइन 53 विल बी इक्वल्स टू डब्लू एन थ्री का। हाँ, तो एन थ्री का वैल्यू आ गया ना यहाँ से, इसको सॉल्व कर लो, 3/5 है ना, तो एन थ्री वॉट विल गेट, यहीं पे आ जाएगा, एन थ्री विल बी इक्वल्स टू 5W/4। ठीक है, अच्छा एन फोर और एन थ्री के बीच रिलेशन है तो यहाँ से भी आ गया। देखो ये वाला इसमें पुट कर दो एन थ्री के वैल्यू। अच्छा, इसका भी फ्री बॉडी आप ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हो, एन थ्री का ये कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू एन वन, एंड एन थ्री का डाउनवर्ड प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू एन टू। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास 25 kg और ये पर्सन का मास 50 kg है। तो प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड एट अ स्टीडी रेट इफ द, तो व्हाट फोर्स द मैन शुड अप्लाई सो दैट दिस सिस्टम विल मूव अपवर्ड विद कॉन्स्टेंट स्पीड दैट इज स्टेडी रेट और रिमेन एट रेस्ट। इसका दोनों का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो ही तो मतलब हुआ ना कि वी क्या हो जाएगा जीरो और इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो आप दोनों का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी कैसा होगा, ये प्लेटफॉर्म हुआ, और अगर आप इसमें यहाँ पे टी मान लोगे तो ये टी टी, तो सोचो इसमें कितना आएगा, दिस विल हैव टू टी। ठीक है, तो यहाँ टू टी लगा और ये मैन, अब देखो यहाँ पे क्या है ना,
कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो मैन को कितना फोर्स है उसको खींचना पड़ेगा, मैन को सेम फोर्स लगाना पड़ेगा ना टी, तो मैन के ऊपर भी ऐसा टी लग रहा होगा। अब किसी चीज़ को खींचोगे तो वो भी तो ऊपर फोर्स लगाएगा ना। अच्छा, तो मैन का फ्री बॉडी कैसा हो जाएगा, मैन के ऊपर टी ऊपर लग रहा है स्ट्रिंग से इधर, और ये उसका नॉर्मल आया ग्राउंड से एन, और ये उसका वेट हुआ, ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन। प्लेटफॉर्म का क्या हो जाएगा, मैन के कारण नॉर्मल नीचे, ये 2t एंड दिस इज 250, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू, नेट फोर्स बराबर कर दो तो एन प्लस टी इक्वल्स टू 500 एंड एन प्लस 250 इक्वल्स टू 2t। यहाँ से आप टी निकाल लो, ठीक है। अच्छा, इसका इजी सा ट्रिक क्या है पता है, देखो यहाँ से डिवाइड करो ऐसा करके, नीचे टोटल कितना मास है 75, मतलब नीचे कितना फोर्स लग रहा है 750, ऊपर कितना, इस सिस्टम में देखो यहाँ पे एक टी लगा, एक टी यहाँ पे, एक टी यहाँ पे, बिकॉज टोटल तो टी है, तो टी टी टी, तो 3t इक्वल्स टू 750, तो टी यू विल गेट 250, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लो, फोर्थ नंबर, ये क्या है कि यहाँ पे हम एफ लगा रहे हैं, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, देखो ये एफ होगा तो ये एफ, ये एफ तो ये एफ, और ये एफ तो ये एफ, तो ऊपर टोटल 3f लगा तो नीचे भी 3f लगेगा, तो यहाँ का टेंशन आया 3f, तो 3f इक्वल्स टू 180, तो एफ इक्वल्स टू 60। अच्छा वो नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या है, देन द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सीलिंग ऑन द सिस्टम इज, ये इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो सोचो इस पुली को, अगर ये पुली मासलेस है तो इस पे टोटल कितना नीचे एफ लगा, एक यहाँ से एफ, एक यहाँ से एफ, एक यहाँ से एफ, एक यहाँ से एफ, तो टोटल 4f यहाँ पे लग गया, और एफ का वैल्यू तो 60 आया, इक्विलिब्रियम से सॉल्व किए तो दैट इज़ नथिंग बट 240, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लो, ये इसमें क्या है ना कि सिस्टम इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 5 m/s². अभी एक्सेलरेशन का तो आप इसको अभी के लिए छोड़ सकते हो, हम लोग इसको अगले वीडियो में करेंगे, या अगर इसको ट्राई करना चाहते हो तो इसका क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप टोटल ऐसा करके, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, इसको पूरा सिस्टम मान लो, ठीक है, ऊपर कितना लगेगा टी टी, तो ऊपर 2t लग रहा है, इसका मास कितना हो जाएगा 150, तो इसका फ्री बॉडी अगर ड्रॉ करेंगे तो 150g नीचे एंड 2t ऊपर, तो ऐसा ही तो कुछ आएगा ना, ऐसा देखो 150g का मतलब क्या हुआ, इट इज़ नथिंग बट 1500, तो नेट फोर्स 2t माइनस 1500 इक्वल्स टू मास, दैट इज़ 150 इंटू 5, तो टेंशन इतना आ गया। अब नॉर्मल पूछ रहा है तो मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इधर टी लग रहा होगा एन, और नीचे इसका मास, और ये भी क्या 5 से जा रहा होगा, तो एन प्लस टी माइनस 1000 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा ये कैसे हो रहा है आप इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है, तब तक के लिए अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, यहाँ यहाँ नॉर्मल के बीच का रिलेशन कौन कौन सा करेक्ट है वो पूछ रहा है, तो इसको आप आसानी से ट्राई कर लो। देखो यहाँ पे जो नॉर्मल जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इधर से वो 60° बना रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल से 30°, वही मैं लिया हूँ एन ए, यहाँ से जो नॉर्मल जाएगा वो वर्टिकल से 30 बना रहा होगा और हॉरिजॉन्टल से 60, तो ये 60 हुआ, ये 30 हुआ। अच्छा इस पे नीचे कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है एम जी, तो एन ए का हॉरिजॉन्टल और एन बी का हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को कैंसिल करेगा बिकॉज दिस इज एन इक्विलिब्रियम, और तो क्या हो जाएगा एन ए कॉस 30 इज इक्वल टू एन बी कॉस 60 एंड अपवर्ड विल बी एन ए साइन 30 प्लस एन बी साइन 60 इज इक्वल टू एम जी, तो इसको सॉल्व करके आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्विलिब्रियम में बोल रहा है कि कौन सा डायग्राम जो ट्रायंगल लॉ से करेक्ट है, तो टी वन किधर लग रहा है, इधर, टी टू ऐसा एंड डब्ल्यू नीचे, देख लो किस में डायरेक्शन, ये तो गलत, टी वन नीचे लग रहा है, इसमें क्या गलत, टी टू नीचे लगा, टी टू नीचे तो है ही नहीं ना, टी टू तो ऊपर है ऐसा करके, ठीक है। और होना क्या चाहिए कि तीनों का नेट फोर्स जीरो है ना, तो तीनों को अगर एक ट्रायंगल में लेंगे तो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, याद है ना, ट्रायंगल में अगर सेम ऑर्डर में लेंगे तो दैट विल बिकम जीरो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट इधर, तो ये गलत, टी टू नीचे है ना, ये गलत, तो बस यही तो दिख रहा है ना करेक्ट, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखो, अ यूनिफॉर्म स्फीयर, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज़ गिवन डब्ल्यू, इसका वेट W है, अच्छा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है ये 2 m है और इसका रेडियस 3 m है, तो पूछ रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, तो इफ़ वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ना, तो देखो ये 3 हुआ, अच्छा यहाँ से यहाँ पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इसका 3 और इसका 2 स्ट्रिंग का गिवन है, तो ये 5 ये 3, इधर क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा वॉल के थ्रू, इसका W नीचे T इधर, अब तुमको T पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ W ना, तो T का अपवर्ड कॉम्पोनेंट W के बराबर होगा, तो ये एंगल कितना होगा, पहले ये सोचो, ये एंगल हो जाएगा 37°, आप निकाल के देख लो, साइन ले लो, तो टी का अपवर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा,
टी का अपवर्ड कॉम्पोनेंट हो जाएगा टी साइन 37 डिग्री, इट इज़ नथिंग बट टी एंड दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5W/4। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, W1 W2 इक्विलिब्रियम एंड रेस्ट, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे, तो W1 by W2 का रेशियो निकालना है। तो सोचो यहाँ पे ये W1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 मान लो, इसमें T1 मान लो, तो T2 कितना के बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली W2, क्योंकि यहाँ T2 और W2 बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो इधर ये W2 है, नीचे ये W1 है और इधर T1, तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा T2 विल बी इक्वल्स टू W2, तो इसका इधर का कॉम्पोनेंट और इधर का कॉम्पोनेंट बराबर होगा, तो T2 का इधर का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, T2 साइन 37 एंड T1 साइन 53। यहाँ पे यहाँ से T1 T2 में रिलेशन आया एंड दोनों का अपवर्ड कॉम्पोनेंट T2 cos 37 प्लस T1 cos 53 विल बी इक्वल्स टू W1। तो इसको सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन से W1 by W2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं, इसको देख लो, इसमें ये 50 kg का एक स्फीयर है जो ऐसा करके रेस्ट में है, दे आर आस्किंग द कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम दिस ए एंड बी, फ्री बॉडी ड्रॉ करो, यहाँ का नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा करके हॉरिजॉन्टल एन बी, और इस जगह का जो नॉर्मल होगा, अब इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है एंगल में, अब बिल्कुल ध्यान से देखो कैसा एंगल लिखना, ये ऐसा ही तो नॉर्मल जा रहा होगा, और इस इंक्लाइन प्लेन को हमेशा ड्रॉ कर लिया करो ऐसा करके, तो ये एंगल 30 है और ये नॉर्मल ऐसा है, तो इसमें अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करें, दिस इज 30, दिस विल बी 60, तो ये 30 हुआ। ठीक है, तो एन का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एन साइन 30 और n का वर्टिकल n cos 30, तो वर्टिकल बैलेंस करेगा वेट को, तो देखो पहले हॉरिजॉन्टल कर लो, तो इधर से हॉरिजॉन्टल n भी लगा और इधर का हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा n sin 30, n a sin 30, तो n a will be 2 nb, एंड वर्टिकल क्या हो जाएगा n a cos 30 will be equals to 500, n a cos 30 is root 3/2, तो n a आ गया, n b आ गया, यहाँ पुट कर दो आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लो, ये 5 kg का एक स्फीयर है जो इन दोनों के बीच में रेस्ट में है, ये एक 30 डिग्री बन रहा है, ये 45 बन रहा है, नॉर्मल यहाँ से पूछ रहा है, तो अगर हम इसको ऐसा एक्सटेंड करें तो यही तो नॉर्मल है, ये इंक्लाइन 30, ये 30, तो इसका ये 30 होगा, तो एन ए का अपवर्ड कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज़ वर्टिकल एन कॉस 30 एंड हॉरिजॉन्टल विल बी एन साइन 30, और ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा, तो इसका ये 45 डिग्री तो होगा ना, क्योंकि ये 45 है, तो ये 45 एंड इन दोनों मिलके 90, तो ये 45, N2 cos 45 विल बी इक्वल्स टू N1 sin 30, यहाँ से ये हो जाएगा, एंड दोनों N1 का कॉम्पोनेंट देखो वर्टिकल वाला अपवर्ड लग रहा है और N2 का वर्टिकल कॉम्पोनेंट डाउनवर्ड लग रहा है, तो N2 का वर्टिकल किसको सपोर्ट कर रहा है, वेट को, तो N2 sin 45 डिग्री N2 sin 45 N2 by root 2 प्लस वेट विल बी इक्वल्स टू इसका वर्टिकल दैट इज N1 cos 30, यहाँ एक रिलेशन पता है उसको यहाँ पुट करो, N1 N2 यू विल गेट। तो ये था, इससे आपको आई होप यू गेट द आइडिया हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड हाउ टू सॉल्व फॉर द नॉर्मल्स। ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं जिसमें एक्सेलरेटेड मोशंस होगा।